हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत अच्छी बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की बात करना जा रहे हैं कि आप कैसे उसे आप अपने घर पे इजीली बना सकते हैं, अपने प्लांटर्स में डाल सकते हैं और अपने जो भी खूबसूरत से प्लांट्स हैं उसमें कैसे अच्छी फ्लावरिंग और लीव्स के जो शेड्स हैं वो अच्छे कैसे पा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टी, ये यूज्ड टी लीव की। आप चाहें तो, अगर आप चाय के शौकीन नहीं हैं तो आप नॉर्मल टी लीव भी ले सकते हैं। आप इसे क्या करिए, जो भी यूज टी लीफ है आप इसे अच्छे से वॉश कर दीजिए, धूप में सुखा दीजिए और सुखाने के बाद इसे आप, ये देखिए मैंने इसको सुखा के रखा है, सुखाने के बाद आप इसे क्या करिए अच्छे से ग्राइंड कर दीजिए और इसको महीन करके आप पाउडर भी बना सकते हैं। पाउडर भी आप इसे डाल सकते हैं प्लांटर में अपने उस मिट्टी में, और अगर आप चाहें तो आप इसे ऐसे भी स्प्रेड कर सकते हैं। और भी अगर आप चाहते हैं, जैसे कि कुछ डेंसी प्लांट्स होते हैं जैसे ये है, अगर डालना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करिए, लिक्विड फर्टिलाइज़र बना दीजिए। आप इसको भिगो के 48 आवर के लिए रख दीजिए और 48 आवर में ये जितनी भी इसके न्यूट्रिएंट्स हैं, जितनी भी इसकी एसिड प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी पानी में, वाटर में डिज़ोल्व हो जाएंगी और उसके बाद वो वाटर जो है वो रेडी हो जाएगा आपके प्लांटर्स के लिए। सो फ्रेंड्स, ये रही हमारी टी लीव की बात, यूज्ड टी लीव की बात। एक्चुअली में क्या होता है ना कि, हाँ मैं ये भी बता दूं कि आप इसे किस किस प्लांट में डालिए, क्योंकि जो हमारी ये टी लीव होती हैं, जो चाय की पत्ती होती है, ये एसिडिक होती है नेचर में। तो ये किन प्लांट्स के लिए अच्छी होती है, तो वो प्लांट्स होते हैं जैसे हमारा रोज़ प्लांट हो गया, मनी प्लांट हो गया, आप इसमें इजीली डाल सकते हैं। क्योंकि उन सब इन प्लांट्स के जिन जो मैं बता रही हूँ, रोज़ प्लांट, मनी प्लांट, इन सबको जो होती है उनकी सॉइल जो होती है वो एसिडिक पसंद होती है, उससे वो शेड जो मनी प्लांट है वेरिएशन जो भी होते हैं उसकी लीव्स के वो बहुत अच्छे आते हैं और जो रोज़ है वो फ्लावरिंग ब्लूमिंग बहुत अच्छी करता है। तो इसके लिए आप इसका, इस पत्ती का यूज़ करिए, बहुत अच्छी होती है ये हमारे इस प्लांट के लिए, बहुत अच्छी है, आप इनमें ज़रूर डालिए इसको। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारे इस काउडंग कंपोस्ट की बात, ठीक है। तो काउडंग कंपोस्ट का क्या होता है कि ये हमारा सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है। जब भी हम लोग मिट्टी भी प्रिपेयर करते हैं ना, जैसे कि मैं अपने गार्डन में, अपने प्लांटर्स में जितनी मिट्टी लगाती हूँ उसमें काउडंग कंपोस्ट ज़रूर ऐड करती हूँ। मिट्टी बनाते समय काउडंग कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट का यूज़, दोनों का मिक्सचर यूज़ ज़रूर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये भी बहुत रिच होता है, इसमें क्या होता है नाइट्रोजन की मात्रा बहुत पाई जाती है, तो ये हमारे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे प्लांट्स के लिए कैल्शियम भी बहुत अच्छा है, फॉस्फोरस भी बहुत अच्छा होता है, और हमारे प्लांट्स के लिए जो एसिडी जो सॉइल होती है वो भी ज़रूरी होती है और पोटेशियम भी बहुत ज़रूरी होता है। तो उन सब के लिए फर्टिलाइज़र का होना बहुत ज़रूरी है। तो जो नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है काउडंग कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट में। तो फ्रेंड्स, आप इसे भी इजीली, ये आपको इजीली नर्सरी में अवेलेबल हो जाएगी, या फिर आप किसी गाँव से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर भी बहुत ईजिली मिल जाएगा। तो आप इसे लिक्विड में भी बना सकते हैं किसी भी प्लांटर में डालने के लिए, जैसे कोई भी बहुत ही ज़्यादा डेंसी प्लांटर है तो आप उसमें लिक्विड में बना के इसको डालिए। ऐसे डालना थोड़ा सा दिक्कत करता है, तो आप इसे लिक्विड में बना के डालिए, आप इसे डिसॉल्व करके पानी में रख दीजिए और इसको 48 आवर तक, मिनिमम 24 आवर तो होना ही चाहिए, भीगना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है इसकी जो ये जो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो पानी में डिसॉल्व होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप मिनिमम 24 आवर के लिए, और मैक्सिमम आप चाहें जितना भी रख सकते हैं, जितना अच्छा आप जितने दिन के लिए इसको रखेंगे उतना अच्छा आपका फर्टिलाइज़र तैयार होगा, अदरवाइज़ आप इसे ऐसे ही डाल दीजिए। मैं सॉइल बनाते समय इसको ऐसे ही ऐड कर देती हूँ, सॉरी ये देखिए गिर गया। मैं सॉइल बनाते समय इसे ऐसे ही ऐड कर देती हूँ और वर्मी कंपोस्ट को भी इसी तरह से ऐड करती हूँ, इनमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत पाई जाती है। अब बात करते हैं इसे किस प्लांट में डालना चाहिए और किस प्लांट के लिए सबसे अच्छा होता है। तो काउडंग कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट, ये जितनी भी हमारी वेजिटेबल्स होती हैं ना, जो हम लोग घर में बनाते हैं, घर में उगाते हैं, सॉरी वेजिटेबल्स, जो जैसे कि हम लोग अपना किचन गार्डन भी बनाते हैं उसके लिए बहुत अच्छी होती हैं, और ये सारी सॉइल के लिए, जितनी भी आप सॉइल बनाते हो अपने गार्डन के लिए उस सब के लिए ये दोनों बहुत बहुत रिच होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं। तो आप इसे तो ज़रूर ही ज़रूर, मतलब बहुत ज़रूरी होता है, तो आप इसे ज़रूर लगाइए, इसको डालिए और इसका फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स में ज़रूर दीजिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आप सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट ऑनियन पील की। जी हाँ, ऑनियन पील के बारे में बात करते हैं, ये हमारे कुछ लिक्विड फर्टिलाइज़र हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं ऑनियन पील की बात करती हूँ। तो आप इसका फर्टिलाइज़र कैसे बनाइए, जो हमारे ऑनियन होता है, जो प्याज होता है उसका जो छिलका निकलता है आप उसको, और जो हमारा गार्लिक यानी लहसुन होता है आप उसका भी छिलका जो भी निकले आप उसे पानी में डिज़ोल्व कर दीजिए, मतलब काफ़ी टाइम के लिए, ताकि अच्छे से इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं पानी में आ जाए। करीब 48 आवर के लिए तो आप रखें इसको, उसके बाद इसको छान लीजिए और छानने के बाद आप प्लांट को दीजिए।
प्लांट में बहुत अच्छी ब्लूमिंग होगी और बहुत अच्छा जो उसकी मिट्टी हो जाएगी, और फर्टिलाइज़र भी एक अच्छा फर्टिलाइज़र, क्योंकि क्या होता है ये सब चीज़ें वेस्ट होती हैं, हम लोग उठा के फेंक देते हैं कचड़े में, तो ये हमारा यूज़ भी हो जाएगा और प्लांट को भी अच्छे न्यूट्रंस मिल जाएंगे। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो प्लांट्स होते हैं वो अगर ज़मीन में लगे होते हैं तो उनको जिन जिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी चीज़ों की उनको ज़रूरत होती है, वो ज़मीन से ले लेते हैं अपने रूट्स के थ्रू। बट क्या होता है जब हम लोग उनको प्लांटर में शिफ्ट कर देते हैं तो उनके उनको जो फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट होती है वो हम लोग दे सकते हैं, हम लोग अपने तरफ से उस पर ऐड करेंगे कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपका प्लांट किस तरीके से सर्वाइव करे और उसमें कौन कौन से न्यूट्रंस होने चाहिए, उसके लिए हम लोगों को ध्यान देना होगा। क्योंकि वो एक प्लांटर में बाउंड होते हैं तो वो अपने रूट्स को कहीं पे भी नहीं फैला सकते कि वो उसे अपना अपने फीडिंग के लिए कुछ भी इंतज़ाम कर पाएँ, तो उसकी फीडिंग के लिए इंतज़ाम हमें करना होगा कि आप उसमें फर्टिलाइज़र डालिए। सो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे ऑनियन फर्टिलाइज़र की, तो ये रिच होता है फॉस्फोरस में, तो प्लांट को हमारे जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो पोटेशियम होता है उसकी ज़रूरत बहुत होती है, तो ये रिच होता है फास्फोरस में, आप इसे अपने प्लांटर में ज़रूर डालिए और एज अ फर्टिलाइज़र, और ये बहुत अच्छी ब्लूमिंग भी करता है। बट इसका इसमें कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें ये ऑनियन का जो ये फर्टिलाइज़र है वो आप डालने से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, जैसे कि हमारा सबसे अच्छा है हिबिस्कस, हिबिस्कस की ब्लूमिंग होती है, हिबिस्कस में जो फ्लावर्स होते हैं देखते हैं आप कई सारे कलर में आते हैं, और अब तो काफ़ी देसी वैरायटी हैं कुछ सारी, और कई सारी इसकी बहुत सारे कलर्स में आते हैं, और कई सारे इसके जो हमारे हिबिस्कस के प्लांट्स होते हैं उसमें फ्लावरिंग होती है तो बहुत बहुत प्यारे लगते हैं, तो उसमें आप ये ऑनियन पील ज़रूर लगाई डालिए, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है और फ्लावरिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, हिबिस्कस की फ्लावरिंग के लिए ऑनियन पील बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो अब मैंने ये आपको बताया ऑनियन पील के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मस्टर्ड केक के बारे में। जी हाँ, मस्टर्ड केक यानी कि सरसों की खली। सरसों की खली क्या होता है कि जो जहाँ पे ये मस्टर्ड ऑयल होता है, एक्सट्रैक्ट होता है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं चाहे तो, और आपको नर्सरी में भी मिल जाता है, क्योंकि ये सब फर्टिलाइज़र्स होते हैं तो नर्सरी में भी इजीली मिल जाता है, वो लोग रखते हैं। सो फ्रेंड, आप उसको क्या करिए, ये देखिए ये मैंने बनाया हुआ है, आपको विजिबल हो रहा होगा, ये देखिए ये मैंने छान, ये तीनों लिक्विड मैंने अभी छान के रखे हुए हैं, ये मैंने भिगोए थे उसके बाद छान के रखे हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये मैंने मस्टर्ड केक से बनाया हुआ है यानी सरसों की खली से, इसको मैंने क्या किया था कि भिगो के रख दिया है। आप मस्टर्ड केक को काफ़ी टाइम तक रखिए, कम से कम 3 दिन 4 दिन तो उसको भिगो ही दीजिए, और जैसे 10 से 15 ग्राम एक सर्टेन क्वांटिटी में बताती हूँ, जैसे मैं 10 से 15 ग्राम भिगो दूँ तो आप उसे 1 लीटर पानी में मिला दीजिए, भीगने के बाद उसे छान लीजिए और फिर 1 लीटर पानी में मिला के आप सारे अपने प्लांटर्स को दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा रिच होता है न्यूट्रिएंट्स से, इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा होता है सरसों की खली। तो जो और सबसे अच्छा किन के लिए होता है, जिसमें लीव्स में बहुत सारे वेरिएशन होते हैं ना, बहुत वेरिएटेड लीव्स होती हैं, तो वो वाले जो होते हैं उसके लिए मस्टर्ड केक का जो भी फर्टिलाइज़र है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो आप सरसों की खली का फर्टिलाइज़र भी ज़रूर ऐड करिए, इसको अपने उसमें लगाइए। और ये सारे फर्टिलाइज़र आप इजीली घर पे बना सकते हैं, मैं सब घर पे ही बना के, और मैं जनरली ज़्यादातर लिक्विड फर्टिलाइज़र और जो भी फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ मैं सारे बायो रहते हैं, केमिकल का मैं अपने प्लांट्स में बहुत कम यूज़ करती हूँ जैसा कि मैं बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये आपको बायो फर्टिलाइज़र में ये हो गया हमारा सरसों की खली का। नेक्स्ट और लास्ट बताते हैं, लास्ट नहीं है, अभी मैं आपको 2-3 और बताती हूँ बट वो अभी मेरे पास नहीं है, बट मैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूंगी। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ये है हमारा, हाँ, बनाना पील का, बनाना पील का एक्सट्रैक्ट है ये, मैंने जो केले के छिलके होते हैं उनको आप फेंकने से अच्छा है कि आप उन्हें थोड़ा सा कट कर दीजिए, कट करके आप उन्हें भिगो के रख दीजिए, और भीगने के बाद आप इसको अच्छे से भीग जाने दीजिए, इसमें एक्सट्रैक्ट अच्छे से वाटर में मिल जाने दीजिए, तब आप इसे अपने प्लांट्स में डालिए। और इसके क्या होता है कि जो हमारा बनाना पील होता है ये जो पोटेशियम होता है ना उससे रिच होता है, और एक अच्छी बात ये है कि आप जो बनाना पील होता है आप उसमें ये भी कर सकते हैं कि आप उसको आप सुखा दीजिए धूप में, धूप में सुखा के आप उसको पाउडर ग्राइंड करके पाउडर बना के भी रख सकते हैं, आप उसको भी डाल सकते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि आप अगर चाहें तो जैसे कोई प्लांट शिफ्ट कर रहे हैं तो जिसमें पोटेशियम की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, उस प्लांट में आप क्या करिए, जैसे कि जड़ में कॉन्टैक्ट में ना आए,
तो आप पहले क्या करिए, एक लेयर मिट्टी की डाल के उसमें एक दो बनाना पील डाल दीजिए, उसके बाद थोड़ी सी और मिट्टी डाल दीजिए, फिर आप अपना प्लांटर लगा दीजिए। तो उसको क्या होगा कि जब आप पानी डालेंगे तो उसको पोटाशियम जो है वो मिलता रहेगा इजिली, तो आपके मिट्टी बहुत अच्छी होगी और प्लांट में ब्लूमिंग बहुत अच्छी होगी। तो ये एक अच्छी बात है बनाना पील के बारे में। और हाँ, तो ये इसके लिए हो गया और हमारे सरसों की खली की बात होगी। हाँ, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जो भी मेरे पास प्रेजेंट तो नहीं है, तो वो है आप जो अंडे के छिलके होते हैं आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके लिए पॉसिबल है तो, अदरवाइज इट्स ओके। आप चाहें तो जैसे उसकी जो शेल्स होती हैं, एग शेल्स जिनको हम लोग बोलते हैं वाइट कलर का, आप उसे क्या करिए वो निकाल दीजिए। बट उसको निकालने से पहले आप जब वो निकालें तो आप उसको अच्छे से वॉश कर दीजिए। वॉश करने के बाद आप इसे धूप में सुखा दीजिए, उसके बाद उसे ग्राइंड कर दीजिए और फिर वो आप अपने प्लांट को दीजिए। तो उससे क्या होता है कि अंडे उसमें कैल्शियम होता है ना, तो जिन जिन पौधों को कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे तो सारे प्लांट को ये सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, बट क्या होता है कि किसी प्लांट को थोड़ी ज़्यादा होती है, किसी को थोड़ी सी कम होती है, तो आप उसमें उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप उसे डाल दीजिए और बहुत अच्छा ब्लूमिंग करता है। ये काम करता है जो अडेनियम के प्लांट्स हम लोग लगाते हैं और बोगनवेलिया, ये मतलब होता है बहुत अच्छा ब्लूमिंग करता है बोगनवेलिया इससे। और जो अडेनियम होता है, क्योंकि ये फ्लावरिंग होते हैं और समर के फ्लावरिंग्स होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग करते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है एक्शल्स। और आप 2 से 3 दिन में आप इसे लगा डालते रहिए, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो एक्शल्स की बात हो गई। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक और एक बनाना हाँ, आप एक और अच्छी बात ये है कि आप उसमें जो ऐश होती है ना, जो राख होती है जिसको हम लोग राख बोलते हैं, तो वो अगर आप गांव से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको इजीली राख मिल जाएगी, क्योंकि मिट्टी के चूल्हे में खाना बनता है तो उसे मिल जाएगी, वरना आपको राख नर्सरी में भी मिल जाएगी आपके प्लांट्स के लिए। तो आप उसे भी डाल सकते हैं एज अ एक फर्टिलाइजर फर्टिलाइज़र। और राख में सबसे अच्छी बात क्या होती है कि वो एज अ फर्टिलाइज़र भी काम करता है, और राख जो है वो आपको बहुत अच्छा एक जो होता है ना इंसेक्टिसाइड, उसका भी काम करता है। जैसे आप कीड़े लग गए हैं तो गांव में भी होता है ऐसे कि किसी पौधे में कीड़े लग रहे हैं, आप राख का छिड़काव कर दीजिए उसमें, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो उसमें भी हमारे जो राख होती है वो बहुत काम आती है। तो और ये जो मतलब प्लांट्स होते हैं ना, उसके जो वो डेवलप होते हैं, स्टेपल्स होते हैं, इन सब के लिए भी बहुत अच्छा होता है ऐश, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैंने आप लोगों से कुछ बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में शेयर किया और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताई, और आप लोगों को कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को और अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू।